राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ देश के कई राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की है। एनआईए की टीम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी एक गनर डीलर के यहां छापा मारकर गन डीलर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा उधमसिंह नगर जिले में भी एनआईए की टीम ने छापे की कार्रवाई की है। देहरादून के गन हाउस मालिक के घर एनआईए की टीम पहुंची और गन हाउस के मालिक परीक्षित नेगी को गिरफ्तार किया है। गन हाउस के मालिक को बीते 2 साल पहले दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था। एनआईए की टीम की इस कार्रवाई पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि टीम छापेमार की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एक आई थी यहाँ पर पुलिस से, चूंकि उनके द्वारा जब भी रेड की जाती तो लोकल पुलिस से इसमें सपोर्ट लिया जाता है, और चूंकि इनकी कार्रवाई काफी गोपनीय रहती है तो इस संबंध में जानकारी मिली है कि क्लेवन टाउन क्षेत्र में एक जो गन का शॉप थी जिसके पास, वो पूर्व में भी मामले में अरेस्ट हुआ था 2-2.5 साल पहले, उसी मामले में एनआईए द्वारा यहाँ पर रेड की गई है। क्या उनसे फाइंडिंग्स निकली है, क्या उसमें एविडेंसेस आए हैं, चूंकि इस संबंध में उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन ये इस बात की अभी पुष्टि हुई कि उनके द्वारा यहाँ रेड की गई है घर पर, उसके रेजिडेंशियल आवास पर, साथ ही साथ एक शॉप भी है नगर निगम के पास जहां पर भी सर्च के लिए टीम गई हुई है।